महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर एनसीपी कांग्रेस ने कमेटी बनाई। कमेटी में एनसीपी कांग्रेस के 5-5 नेता शामिल। एनसीपी कमेटी में अजित पवार, जयंत पाटिल, छगन भुजबल, नवाब मलिक, धनंजय मुंडे शामिल। और कांग्रेस की कमेटी में अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, बाला साहब थोराट, मणिक राव ठाकरे, विजय वेंटीवार को किया गया शामिल। एनसीपी नेता अजित पवार का बयान, कहा कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद हम आगे की रणनीति पर करेंगे बात। शरद पवार समेत कुछ अन्य नेता अब संसद के सत्र के लिए दिल्ली जाएंगे। हमने 5-6 लोगों की कमेटी बनाई है जो आगे की रणनीति पर काम करेगी। इस दौरान शिवसेना पर भी चर्चा की गई। अजित पवार ने कहा कि हम जल्द से जल्द सरकार बनाना चाहते हैं क्योंकि किसान काफी ज्यादा परेशानी में है। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने बुधवार दोपहर को कांग्रेस नेताओं से बात की है। होटल में मुलाकात कर जब उद्धव ठाकरे बाहर निकले तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि कांग्रेस नेताओं से क्यों बात हुई है, आपको कैसे बताऊं। बात आपको बता दें कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सामना के जरिए शिवसेना ने बीजेपी पर फिर हमला बोला है। शिवसेना ने कहा, राष्ट्रपति शासन घोड़ा बाजार का उदाहरण है, हम नहीं तो कोई नहीं का अहंकार है। बीजेपी वचन पर कायम रहती है तो ये हाल नहीं होगा। शिवसेना ने कहा कि बीजेपी का ये दाव पेश नहीं, शिवसेना को नीचा दिखाने की साजिश है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय रावत को लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद संजय रावत ने कहा कि कांग्रेस एनसीपी में बात चल रही है। संजय रावत ने कहा, राजनीति चलती रहेगी, बीजेपी की कोशिश कामयाब नहीं होगी, महाराष्ट्र में शिवसेना का ही सीएम होगा। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच लगातार अपने तीखे शब्दों के जरिए प्रहार करने वाले शिवसेना के फायर ब्रांड नेता संजय रावत ने एक बार फिर शायराना अंदाज में अपनी बात रखी है। संजय रावत ने लगातार दूसरे दिन हिंदी की मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन को याद किया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय रावत के ताजा ट्वीट में लिखा है, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। महाराष्ट्र के पूर्व चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने ट्विटर पर अपना प्रोफाइल चेंज किया है। फडणवीस ने ट्विटर के प्रोफाइल पर लिखा है, महाराष्ट्र सेवक। राज्यपाल की नियुक्ति के बाद बीजेपी ने बहुमत न होने की वजह से सरकार बनाने से इनकार कर दिया है। कर्नाटक में आने वाली 5 दिसंबर को 15 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अयोग्य करार दिए जा चुके विधायक अब अपनी किस्मत आजमा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के अयोग्य करार दिए जा चुके 17 विधायकों पर फैसला ले लिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पीकर द्वारा विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने को सही ठहराया है। कांग्रेस और जेडीएस के ये 17 विधायक अयोग्य साबित हो गए हैं, लेकिन कोर्ट की ओर से इन विधायकों को कुछ राहत भी मिली है जिसके तहत सभी दोबारा चुनाव लड़ सकेंगे। अब मुख्य न्यायाधीश का ऑफिस भी सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत आएगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इसमें कुछ नियम भी जारी किए हैं। फैसले में कहा गया है कि सीजीआई ऑफिस एक पब्लिक अथॉरिटी है, इसके तहत आरटीआई के तहत आएगा। हालांकि इस दौरान दफ्तर की गोपनीयता बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाएगा। ये याचिका बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोप था कि राहुल गांधी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चौकीदार चोर है। मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के बयानों को राजनीति से जोड़ दिया है। इस मामले में राहुल गांधी की ओर से माफीनामा भी दायर किया गया था, लेकिन अदालत की ओर से कोई राहत नहीं मिली थी। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच कल सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी। पिछले साल सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए 10 से 50 साल की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश करने पर लगी पाबंदी को हटा दिया था। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ काफी प्रदर्शन भी हुए थे। राफेल लड़ाकू विमान सौदे को बरकरार रखने पर सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे को बरकरार रखने के लिए 14 दिसंबर 2018 को फैसला सुनाया था। इसके बाद इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी।
फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की प्रक्रिया में दो जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा लड़ाकू विमान की कीमत कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की भूमिका पर सवाल खड़ा किया गया था। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद बढ़ी हुई फीस वापस ले ली है। हॉस्टल की फीस बढ़ने को लेकर छात्र प्रशासन के खिलाफ लामबंद थे। फीस बढ़ने के खिलाफ लेफ्ट संगठन ही नहीं बल्कि बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के छात्रों ने भी साबरमती ढाबे से यूजीसी कार्यालय तक मार्च निकाला। हरियाणा के मंत्रिमंडल को लेकर इंतजार खत्म हुआ है। 14 नवंबर को हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कल सुबह 11 बजे राज्यपाल नए मंत्रियों को दिलाएंगे शपथ। बीजेपी जेजेपी के कई विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। कुलभूषण जाधव को लेकर चुका है पाकिस्तान। जाधव को लेकर पाकिस्तान करेगा बड़ा फैसला। आर्मी कोर्ट से बाहर होगी सुनवाई। पाकिस्तान जाधव मामले के लिए आर्मी एक्ट में करेगा बदलाव। इसके बाद जाधव को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सिविलियन कोर्ट में करनी होगी अपील। उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर में होमगार्डों की कथित तौर पर फर्जी हाजिरी लगाकर सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगाने का मामला सामने आया है। शासन स्तर की एक समिति ने मामले में जांच शुरू कर दी है। शासन ने अपने स्तर से जांच कराने का फैसला लिया है। अब इस मामले की जांच 4 सदस्य टीम कर रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आज गन्ना किसानों से जुड़े ई गन्ना मोबाइल ऐप का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल और ऐप किसानों की समस्या के त्वरित समाधान के लिए बनाया गया है। पोर्टल और ऐप के जरिए गन्ना किसानों को सारी जानकारी मिल सकेगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ देवभूमि दौरे पर हैं। उत्तराखंड के डोईवाला जाएंगे सीएम योगी। हिमालयन इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में सीएम योगी लेंगे हिस्सा। साथ ही स्वामी राम की 24वीं पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास योजनाओं गंगा टर्नियो और जल निगम द्वारा गंगा में बहाए जा रहे नालों की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी की समीक्षा बैठक में गंगा जाजमऊ की टर्निया ट्रीटमेंट प्लांट और नालों की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। जल निगम की ओर से गंगा में गिराए जा रहे नाले टैप नहीं होने पर कई विभागीय अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। राम मंदिर निर्माण को लेकर तीन पुराने ट्रस्टों के बीच अपने अपने दावे को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से ट्रस्ट बनाने का आदेश दे दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि न्याय रामालय और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास ट्रस्ट दावेदार बन रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि न्याय के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास ने कहा है कि नए ट्रस्ट की जरूरत नहीं है। विवाद कोर्ट में होने के बावजूद राम मंदिर बनाने के लिए सक्रिय थे तीनों ट्रस्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राज्य सरकार अयोध्या का क्षेत्रफल नए सिरे से तय करने में जुट गए हैं। अयोध्या नगर निगम सीमा क्षेत्र में 41 राजस्व गांवों को शामिल करने की तैयारी चल रही है। नगर विकास विभाग ने अयोध्या नगर निगम से इस संबंध में जल्द प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है। इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट में मंजूरी दे दी जाएगी। अयोध्या का क्षेत्रफल नए सिरे से तय करने में जुट चुकी है राज्य सरकार। वहीं उत्तर प्रदेश में तीर्थ स्थानों के सही रखरखाव के लिए कोशिशें तेज हो चुकी है। प्रदेश में विकास परिषद का होगा गठन। तीर्थ स्थानों के लिए विकास परिषद का किया जाएगा गठन। पर्यटक विभाग ने शुरू की है तैयारियां। अयोध्या विंध्याचल चित्रकूट नैमिषारण को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर में फिर छाया दम घोटू हवा का खतरा। पराली के धुएं और हवाओं की बदली दिशा ने बढ़ाई है परेशानियां। आने वाले दो दिनों में इमरजेंसी के स्तर को पार कर सकती है हवा। दिल्ली में एक्यूआई का स्तर 447 बना हुआ है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में अगले दो दिनों तक हालात और बिगड़ने की संभावनाएं हैं। वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ऑड इवन पर मांगी है रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली में साल दर साल इतना प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है। इसको लेकर केंद्र सरकार गंभीर और स्थायी कदम उठाए। उत्तराखंड सरकार ने हर घर को नल से जल देने की योजना पर कवायद तेज कर दी है।
सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में घर घर पानी पहुंचाने के लिए 6600 करोड़ रुपए की योजना पर काम शुरू कर दिया। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग दिसंबर महीने तक भूमि अधिग्रहण एवं सर्वेक्षण का प्रस्ताव शासन को सौंप देगा। इस योजना से पहाड़ के लोगों को पानी की परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। ब्राजील में आज से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। ये सम्मेलन ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच डिजिटल अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित होगा। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। वहीं पीएम ने कहा है कि इस शिखर सम्मेलन की थीम नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि है। ब्राजील हो रहे हैं 11वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी ब्रासिलिया पहुंच गए हैं। पीएम मोदी आज रात 10:30 बजे रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। इसके बाद रात 11:30 बजे वो ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो से भी मिलेंगे। दो प्रमुख देशों के राष्ट्र अध्यक्ष से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। बाद में ब्रिक्स की बिजनेस फोरम क्लोजिंग सेरेमनी में भी हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ब्रिटेन के हाई कोर्ट में अवमानना मामला जीत चुकी है। ये मामला पिछले साल एक टीवी शो के दौरान मौजूदा सरकार के एक मंत्री की तरफ से लगाए गए अपमानजनक आरोपों से जुड़ा था। लंदन में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस मैथ्यू निकलीन को माफी और पक्षों के बीच अघोषित क्षति पर बनी सहमति के बारे में सूचित किया गया, जिसके बाद टीवी चैनल ने रेहम से माफी मांग ली है। बांग्लादेश के ब्रहानबेरिया जिले में हुए ट्रेन एक्सीडेंट में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि हादसा मंदोबाद स्टेशन पर उस वक्त हुआ जब चटगांव जा रही उद्यान एक्सप्रेस की पटरी बदलते समय ढाका जा रही तुरना निशिता ट्रेन से टक्कर हो गई। अधिकारियों ने बताया कि बचाव कार्य लगभग पूरा हो चुका है। वहीं रेल मंत्री नरुल इस्लाम सुजन और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी बचाव अभियान का मुआयना करने घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। नेपाल में बीजिंग के खिलाफ लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही कई जगहों पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला भी जलाया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चीन पर अपनी जमीन हथियाने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारी सप्तारी बर्दिया कपिल वस्तु की सड़कों पर उतरे हैं और चीन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों के हाथ में गो बैक चाइना और रिटर्न नेपाली लैंड जैसे पोस्टर और बैनर भी थे। चीन के किंडरगार्टन स्कूल में हुए रासायनिक हमले में 51 बच्चे और 3 शिक्षक झुलस गए। घटना दक्षिण पश्चिमी चीन के युवान प्रांत का है। यही एक शख्स ने स्कूल में जबरन घुसकर बच्चों पर केमिकल फेंक दिया, जिसमें कुल 54 लोग झुलस गए। चीन के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने स्कूल में घुसकर सोडियम हाइड्रोक्साइड रसायन छिड़क दिया था। वहीं इस हमले में घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ब्रिटेन में चुनाव करीब आने से पहले 4 साल में नौकरियां में सबसे भारी कटौती हुई है। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई सितंबर की तिमाही में 58,000 लोगों की नौकरियां चली गई। हालांकि नौकरियों में कटौती अर्थशास्त्रियों के अनुमान से कम हुई है। ब्रेग्जिट गतिरोध की खत्म करने के इरादे से प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 12 दिसंबर को चुनाव कराने की घोषणा की है। इस बीच नौकरियों में कटौती मुसीबत खड़ी कर सकती है। हालांकि नियोक्ताओं का मानना है कि बोरिस जॉनसन के जीतने के बाद भी नौकरियों में कटौती जारी रह सकती है। दीपक चाहर ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। चाहर ने 3 दिन में दूसरी हैट्रिक लगाने का कारनामा किया। इससे पहले रविवार को उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में भारत की ओर से पहली हैट्रिक लगाई थी और अब दीपक चाहर ने सैयद मुश्ताफ अली को T20 ट्रॉफी में हैट्रिक लगा दी। बीसीसीआई और बंगाल क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लिया है कि ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले जाने वाले भारत का पहला डे नाइट टेस्ट मैच दिन में 1 बजे से शुरू होगा और रात 8 बजे तक चलेगा। ये टेस्ट 22 से 26 नवंबर के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों का ये पहला डे नाइट टेस्ट मैच होगा। भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस पिछले 19 साल में पहली बार डबल्स रैंकिंग में टॉप 100 में बाहर हो गए हैं। ताजा ATP रैंकिंग में लिएंडर पेस 5 पायदान खिसक कर 101वें स्थान पर पहुंच चुके हैं।
पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ डेविस कप मुकाबले को स्थानांतरित करने के आईटीएफ के फैसले के खिलाफ इस विश्व संस्था में अपील दायर की है और कहा है कि इस्लामाबाद इसकी मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष सलीम सैफुल्ला ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था में औपचारिक अपील दर्ज करा सकती है। भारत से T20 गंवाने के बाद बांग्लादेश टीम ने अब 14 नवंबर से होने वाले दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए अपनी कमर कस ली है। बांग्लादेश टीम चाहेगी कि वो T20 सीरीज की हार का बदला टेस्ट सीरीज में ले। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की हालत अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। उन्हें आईसीयू के वेंटिलेटर पर रखा गया है। लता मंगेशकर को सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी स्थिति फिलहाल नाजुक बनी हुई है। लता की सेहत को लेकर पूरा देश चिंतित है। फैंस के साथ बड़ी बड़ी हस्तियां उनके स्वास्थ्य को लेकर दुआएं मांग रहे हैं। जब वी मेट, रॉक स्टार, हाईवे और लव आजकल जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके फिल्मेकर इम्तियाज अली जल्द ही बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला की जिंदगी को पर्दे पर लेकर आने वाले हैं। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि वो मधुबाला पर फिल्म बना रहे हैं या वेब सीरीज। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी को 1 साल पूरा हो रहा है। दीपिका और रणवीर की 14 नवंबर को पहली वेडिंग एनिवर्सरी है। दोनों धर्मस्थलों पर जाकर अपनी शादी की सालगिरह को सेलिब्रेट करेंगे। दोनों परिवार के साथ तिरुपति और फिर अमृतसर जाकर इस दिन को और खास बनाएंगे। मंदिर दर्शन के बाद दोनों 15 नवंबर को वापस मुंबई लौट आएंगे। मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस में शुमार अजय देवगन अपनी अपकमिंग फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर को लेकर चर्चा में है। अजय की फिल्म तानाजी मालूसरे से अजय का तानाजी लुक रिवील हो गया है। डायरेक्टर ओम रावत ने पोस्टर शेयर करते हुए उसकी रिलीज डेट को भी रिवील कर दिया। फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज होगी। तानाजी द अनसंग वॉरियर अजय देवगन की 100वीं फिल्म होगी। फिल्म के ट्रेलर को 19 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। अमिताभ बच्चन के रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के 11वें सीजन में 4वां करोड़पति मिल गया है। गौर करने वाली बात यह है कि सीजन को एक नहीं, दो नहीं बल्कि 4 करोड़पति मिले हैं, जिसमें अब तक बिहार के 2 कंटेस्टेंट्स रहे हैं। इस सीजन के पहले करोड़पति सनोज राज बिहार के जहानाबाद से रहे, वहीं गौतम कुमार झा दूसरे करोड़पति बने हैं और अब अजीत कुमार सिंह का नाम सामने आया है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। इससे पहले मंगलवार को तेल विपणन कंपनी ने दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम में 10 पैसे जबकि कोलकाता में 9 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। हालांकि डीजल के दाम में 6 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई थी। हफ्ते के दूसरे दिन ज्ञानी शेयर बाजार में हल्की शुरुआत देखने को मिली। हालांकि बाद में बाजार में सपाट रिकवरी भी हुई। शुरुआती कारोबारी में 30 शेयर वाले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 1.35 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 40,346.43 पर कारोबार कर रहा था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी शुरुआती दौर में करीब 10 अंकों की मजबूती के साथ 11,922.95 के आसपास कारोबार कर रहा है। वोडाफोन अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए एक नया प्लान लेकर आया है। इस प्लान में यूजर को 3 GB डेटा हर दिन दिया जाएगा। कंपनी के इस प्लान की कीमत ₹569 है, जिसकी वैलिडिटी 84 दिनों की है। वोडाफोन के इस नए प्रीपेड प्लान में यूजर 84 दिनों की वैलिडिटी 3 GB डेटा के अलावा कई और बेनिफिट्स भी उठा पाएंगे। ब्रिटेन की टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आने वाले दिनों में अपना कारोबार समेट सकती है। खबरों के मुताबिक वोडाफोन के सीईओ निक रीड ने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा करते हुए असहयोग का आरोप लगाया है। निक रीड ने कहा है कि असहयोगी रेगुलेशन और बहुत ज्यादा टैक्स की वजह से वित्तीय तौर पर हम पर बोझ पड़ रहा है। इस बीच वोडाफोन आइडिया के शेयर भाव एक बार फिर से ₹4 के नीचे पहुंच गए हैं। सैमसंग और हुवावे के बाद अब मोटरोला भी अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी अपने फोल्डेबल फोन मोटरोला रेजर को लॉस एंजलिस में एक इवेंट के दौरान लॉन्च कर सकती है। इस फोन की सबसे खास बात इसका
क्लैम्पशेल डिजाइन होगा जो इसे गैलेक्सी फोल्ड या मेट एक्स की तुलना में मजबूत बनाएगा। वहीं ये फोन सैमसंग के गैलेक्सी फोल्ड की तुलना में सस्ता भी हो सकता है। सैमसंग के फोल्डेबल स्मार्टफोन गैलेक्सी फोल्ड की कीमत भारत में 1,65,000 रुपए रखी गई है। हालांकि फिलहाल मोटोरोला कंपनी ने यह साफ नहीं किया है कि मोटो रेजर को भारत में लॉन्च किया जाएगा या नहीं। राजपूताना कस्टम्स ने रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500 को रॉयल्टी के मामले में आगे बढ़ाया है और एक कस्टम मॉडिफाइड बाइक पेश की है। इस बाइक का नाम रॉयल एनफील्ड रानीसा रखा गया है। ये बाइक क्लासिक 500 के मुकाबले एकदम अलग और नए मॉडिफिकेशन में आती है। रानीसा में यूएसडी फ्रंट फोर्क, हैंडल बार पर सोने और पीतल ट्रीटमेंट दिए गए हैं। इसमें सिंगल सीट भी दी गई है जिसे पूरी तरह हाथ से ही सिला गया है। मारुति सुजुकी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एक्सक्यूवी विटारा ब्रेजा को पेट्रोल वेरिएंट में लाने की तैयारी चल रही है। फिलहाल भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी की ब्रेजा का केवल डीजल वेरिएंट मौजूद है। इसमें सियाज और अर्टिका में दिया गया 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। पेट्रोल इंजन वाली ब्रेजा को फरवरी 2020 में लॉन्च किया जा सकता है।